यदुवंशी एकता पैनल के समर्थन में एकजुट हुए भिवंडी के यादव। यादव संघ मुंबई का जनरल चुनाव 7 जनवरी 2024 को होने वाला है, जिसमें पूर्व अध्यक्ष अजय यादव नेतृत्व में यदुवंशी एकता पैनल के तहत कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। बता दें कि यदुवंशी एकता पैनल के विरोध में दूसरे पैनल के लोगों द्वारा असंवैधानिक तरीके से दुष्प्रचार किए जाने का भिवंडी के मतदाताओं ने पूरा जोर विरोध कर अजय यादव के पैनल का समर्थन कर यदुवंशी एकता पैनल को विजय बनाने का आश्वासन दिया है। ज्ञात हो कि यादव संघ मुंबई के करीब 13,000 सदस्य है, जिसमें भिवंडी में करीब 400 सदस्य है। यादव संघ के सदस्य व यादव समाज भिवंडी के अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई विशेष सभा यादव संघ के भिवंडी शाखा कार्यालय वीजी पाटिल बिल्डिंग खदान रोड पर संपन्न हुई। आए हुए लोगों ने अजय यादव के नेतृत्व में बने यदुवंशी एकता पैनल को अपना समर्थन विजय बनाने का संकल्प लिया और अजय यादव को अध्यक्ष बनाने की अग्रिम बधाई देते हुए शाल पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर एनएल यादव, डॉक्टर मुन्नालाल यादव, डॉक्टर ब्रजेश यादव, डॉक्टर अच्छेलाल यादव, विनोद यादव, पीडी यादव, डॉक्टर बीएस यादव, फूलचंद यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव, चंद्रबान यादव, आचार्य सूरजपाल यादव, विजय बहादुर यादव, सुखी देवी यादव, रामाशंकर यादव, रामदेव यादव, अरविंद यादव, रमेश यादव, मोहन यादव, लालजी यादव, शिवप्रसाद यादव, अमरनाथ यादव, साधु मनोज यादव, ललन यादव, हीरालाल यादव आदि असंख्य यादव उपस्थित थे। इस पूरा कार्यक्रम का सूत्र संचालन आचार्य सूरजपाल यादव। जिस समय हम वहां पर एक बोगस कमेटी ने कब्जा लिया और हम वहां से छोड़े हैं, तो सारे अकाउंट को जब हमने सील करवाया तो समय लगभग 9 करोड़ का बैलेंस था वहां सेविंग अकाउंट और एफडी को लेकर। लेकिन इसके 2-3 साल बाद आपसी झगड़े में इनकम टैक्स विभाग ने वहां पर सारे खातों पर अपनी होकर के लगभग 5 करोड़ रुपए उसमें से उन्होंने अपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो कह रहे हुए एफडी कहाँ गायब हुआ, तो सारे लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोगों का संस्कार में भ्रष्टाचार और अनाचार कदाचार या किसी के ऊपर गलत आरोप लगाने का ढंग के कभी हम लोगों को संस्कार ही नहीं है। किसी के बारे में गलत बात करने का संस्कार नहीं हम लोग, और यदि कोई जिम्मेदारी दी गई है तो जिम्मेदारी को अपने कर्तव्य को हम लोगों ने पूरे ईमानदारी के साथ में उसका पालन करने की कोशिश किया। आज भले ही 2 ही साल का कार्यकाल था लेकिन उसका प्रभाव इतना था पूरे मुंबई में कि आज के चुनाव में उनको हमारे खिलाफ और कोई मुद्दा न मिला तो विरोधियों ने जो है ना चरित्र हनन करने का काम शुरू किया। और चरित्र हनन करने में सबसे बड़ी झूठ उनकी अभी सामने आप लोगों के सामने है कि उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा भिवंडी में कोई जमीन थी उसको बेच दो, फिर इसके बाद बात जमीन से आते आते जब गाले पे आ गई तो गाले का किराया खा रहे इस ढंग की बात। लेकिन पिछले 3 दिन पहले हमारे कुछ साथी अपने तरीके से इंक्वायरी करके, जब हमने किसी को नहीं कहा, आप जी यकीन जानिए किसी से हमने नहीं कहा, पीडी भाई भी बैठे हैं इन्होंने बहुत उसमें कमिट, लेकिन थाना के लोग मुंबई के लोग जिससे बर्दाश्त नहीं हुआ उन लोगों ने पूरी इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के बाद जब उन्होंने समर्थन में लिखना शुरू किया आप लोगों के और एक एक चीज का जवाब दिया, यहाँ पे पीडी भाई ने भी उनको बहुत सहयोग दिया सोशल मीडिया पे कि बिल्कुल ये सब असत्य बातें हैं, झूठी बातें हैं, और विरोधियों तक ने लिखना शुरू किया कि अजय यादव के बारे में अगर भ्रष्टाचार की कोई बात हम लोगों को हजम नहीं हुई, ये चुनाव है चुनाव में ठीक है आप अपनी बात रखिए, लेकिन किसी का जो है चरित्र को हनन करना ये बातें आपके विरोधियों को भी जब हजम नहीं हो रही है तो आप जानबूझ करके इसका इल्जाम लगाया जा रहा है, एफडी का इल्जाम लगाया जा रहा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, तथ्य नहीं है कहीं। और यादव संघ अगर इसकी वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में देख लेंगे, आजकल तो कंप्यूटर से एक नाम टाइप करिए तो वो नाम के जितने नाम रहते हैं सब निकल, अजय यादव नाम टाइप करेंगे 20-25 अजय यादव निकल सकते हैं, लेकिन अजय यादव अगर भिवंडी कहा जाएगा तो सबको एक ही पता रहता है कि अजय यादव भिवंडी जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं।
तो भिवंडी नाम जब मेरे साथ जुड़ा है और मेरी पहचान बन चुका है तो ये आप लोग हमारी ताकत है। और जब से चुनाव हो रहा है मुंबई यादव संघ का, आज तक मैं समझता हूं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भिवंडी के जितने भी यादव समाज के लोग हैं, जितने भी मतदाता हैं, जितने वोटर हैं और जितने सपोर्टर हैं, आज तक बंबई या भिवंडी के अलावा किसी को उन्होंने एक वोट नहीं दिया मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार भी इसी ढंग का आपका समर्थन, इसी ढंग का सहयोग, इसी ढंग का आशीर्वाद आप लोगों का यहाँ हमारे साथ रहेगा। और आपका ये भाई कभी आपका मान सम्मान और आपकी मर्यादा को झुकने नहीं देगा, कभी भ्रष्टाचार का कोई काम ऐसा नहीं करूंगा, कभी इस ढंग का काम नहीं करूंगा कि आप लोगों को बोलने में शर्म आए कि नहीं हम लोगों ने गलत फैसला लिया। तो साथियों मैं ज्यादा ना बोलते हुए यहाँ पे आप लोग इतने भारी संख्या में, क्योंकि ये आम मीटिंग नहीं थी, हर क्षेत्र से जो जो जवाबदार लोग थे उन्हीं लोगों को बुलाया गया है और वो लोग सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कोशिश रहेगी कि 7 तारीख के पहले एक आम सभा भी, आचार्य जी से हमारी बात हुई है कहीं बड़ी जगह देख करके, सारे लोगों को इकट्ठा करके एक बार फिर से अपील किया जाएगा कि 7 तारीख वाले चुनाव में हमारा जो पैनल है और हमारे पैनल में सारे के सारे साफ सुथरे और एकदम कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं। विजय एक विनोद यादव पत्रकार जी हैं, सब लोग जानते हैं उनको। गिरिजाशंकर यादव जी हैं जो हमारे पार्टी के उत्तर मुंबई के अध्यक्ष हैं। लक्ष्मी शंकर जी हैं, दीपक यादव जी हैं, मतलब हर पार्टी के और हर क्षेत्र के लोग वहाँ पे सम्मिलित हैं। और आज तक सोशल मीडिया पर या कहीं भी पब्लिकली किसी ने विरोधियों के खिलाफ आज तक हमारे पैनल के किसी आदमी ने कोई गलत बात नहीं की है। केवल हम लोग अपनी बात कर रहे हैं और सकारात्मक काम कर रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से पिछले 7-8 साल से इतनी प्रतिष्ठित संस्था गर्त में ढकेली जा रही है, जिस ढंग से उनका भ्रष्टाचार वहाँ पे चल रहा है, हमें उतरना पड़ा। अब की बात इसको रोकना कहीं ना कहीं, और जो भी बनाई हुई जो जिस कष्ट से और जितने उन्होंने जिस उद्देश्य से संस्था को बनाया, उद्देश्य से भटक रही है, लोग उसको एक दुधारू गाय समझ करके इस तरह निचोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उसको हमको सही रास्ते पर लाना है। तो संस्था को और यादव समाज की गरिमा को, प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या मैं यहाँ से अपना समय और सारा दे करके वहाँ जाना, 2 घंटा जाना, 4 घंटा वहाँ रहना, 2 घंटा फिर आना, पूरा दिन खराब करना, तो ये सब चीज़ें करने का हमारा उचित यही। खाली हम लोग जो हमारे पहले वाले पीढ़ी ने एक जीत तैयार किया उसको सुरक्षित करना है। और इसी उद्देश्य के साथ मैं उस चुनाव में अपने पूरे पैनल के साथ उतरा हूँ। आप सब लोग मेरे साथ में हैं और इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों से पुनः धन्यवाद देता हूँ। और फिर से चुनाव के पहले एक बार फिर मिलेंगे और फिर सारी रूपरेखा तय करके किस तरीके से यहाँ से जाना है, क्या इंतजाम रहेगा बस का वगैरह, सारी बातों पर भी चर्चा हो जाएगी। और जो लोग आप लोग प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग क्योंकि काफ़ी समय हो गया तो कुछ लोग शिफ्ट हो गए हैं यहाँ से गांव की तरफ गए होंगे, कुछ लोग क्षेत्र उनका बदला होगा, एरिया बदली होगी, तो जितने लोग अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो पाए सबको लिवा करके चलना है और वापस इसी पैनल को आप लोगों को विजय सुनिश्चित करनी है, भिवंडी की विजय सुनिश्चित करनी है। इन सबको के साथ आपको पूरा धन्यवाद देता हूँ। जय राम।